शेड्यूल निर्माण, सो मैंने डायरेक्टली ही जो 21 सितंबर का एनालिसिस है वो उठा लिया है, क्योंकि मैंने देखा पिछले वीडियो पे 0 व्यूज 0 मिनट्स कवर थे, तो कोई फ़ायदा नहीं है मैं इतना एनर्जी अपना लगाऊँ उस पर एंड अपना टाइम डिवोट करूँ. सो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो ऑन एनी वीडियो, आई एल एक्सप्लेन यू दैट. सो अभी हम 21 सितंबर का आर्टिकल कवर करते हैं. तो पहला आर्टिकल है काकतीया डायनेस्टी से रिलेटेड. ठीक है, तो जो काकतीया रूलर्स थे ना, वो बेसिकली क्या थे उस टाइम पे, जो चालुक्य रूलर्स थे उनके फिड्यूशरीज थे. ठीक है, फिड्यूशरीज का क्या मतलब होता है, जो फ्यूडल सिस्टम के अंदर लैंड को बेसिकली कंट्रोल करते हैं. ठीक है, जो फ्यूडिशरीज फ्यूडल सिस्टम के अंदर अपॉइंट करते थे उनको फ्यूडिशरीज कहते हैं. ठीक है, तो वेस्टर्न चालुक्यास के थे. ठीक है, एंड कहाँ पे, वारंगल में. ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम का आंध्र प्रदेश, वहाँ पे ये लोग राज करते थे. ठीक है, तो जो काकतीया रूलर का जो गणपति देवा जो किंग थे, ठीक है, वो राज करते थे धरनी कोटा में. ठीक है, तो उन्होंने काकतीय देवी टेम्पल बिल्ड किया था. ठीक है, पर क्या है, अभी लोकल जो लोग हैं उस टाइम पे उनको पता नहीं था कि ये काकतीय देवी का टेम्पल है. तो गॉडेस बलु सुलामा के नाम से वहाँ पे एक डीटी को प्लेस कर दिया गया एंड उनकी पूजा करने लगे. ठीक है, सो तो पहले तो वहाँ पे काकतीय देवी होती थी. ठीक है, तो जो काकतीय रूलर्स की ट्यूटिलरी डीटी, मतलब कि क्या कहते हैं उनको, वंश पूजा या कहते हैं, मतलब आप समझ जाओ कि जो एक वो होती है कि आपके इष्ट देव, हाँ इष्ट देव कह सकते हैं. गणपति देवा वॉज द फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस वर्शिप ऑफ काकतीय देवी इनटू कोस्टल रीजन ऑफ आंध्रा एंड जो उनके डोमिनियंस थे. आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस क्या होगी, द सीलिंग बेयर डेकोरेशंस ऑफ लोटस मेडालियंस. ठीक है, लोटस की शेप में ऐसे बेसिकली वो कर रखा है डेकोरेशन, शिखर नहीं है इसके टॉप पे. एंड जो काकतीया डायनेस्टी के की फैक्ट्स क्या है, 12वीं और 13वीं सेंचुरी में इन्होंने राज किया था वहाँ पे, चालुक्यास के फिड्यूशरीज थे. ठीक है, एंड यहाँ की पावरफुल लीडर्स कौन थे, गणपति देवा जिन्होंने ये जिनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, रुद्रमा देवी. ठीक है, सो प्रतापा परुदा वन ऑल्सो नोन एज काकतीया रुद्रा देवा वॉज द सन ऑफ काकतीया लीडर प्रोला वन अंडर हिज रूल दैट द काकतीया डिक्लेयर सोवेरिनिटी. ठीक है, तो इनिशियली सोवेरिनिटी डिक्लेयर जो चालुक्यास से थी वो इनके अंडर की गई थी, प्रतापा रुद्रा के अंडर. ठीक है, एंड इन्होंने तब उसी के बाद से इन्हीं के रूल में था कि तेलुगु लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा इन द इंस्क्रिप्शंस. ठीक है, एंड वारंगल बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वारंगल एज कैपिटल, हनम कोंदा वॉज द फर्स्ट कैपिटल. ठीक है, जो हनामा कोंदा थी वो पहली कैपिटल थी, फिर बाद में वारंगल बनाई गई एंड वारंगल फोर्ट भी जो है वो इन्होंने ही बनाया था. एंड जो मार्को पोलो थे, जो इटालियन ट्रैवलर थे, देखो ट्रैवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इनके टाइम पे इटालियन ट्रैवलर और मार्को पोलो थे जो रुद्रमा देवी के टेन्योर में ये इन्होंने बेसिकली घूमे थे यहाँ पे काकतीय किंगडम के. इन्होंने बेसिकली एडमायर किया था इनके स्टाइल को. तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या है, जो काकतीया थोरन्नम है, ठीक है, वो किसने बनाया था, रुद्रमा देवी के फादर ने. ठीक है, एंड सैनिक पक्खल लेक. ठीक है, पक्खल लेक कहाँ है, वारंगल में, जो गणपति देवा ने ही बनाया था. 1000 पिलर टेम्पल इन वारंगल. ठीक है, तो वो भी काकतीया आर्किटेक्चर का ही पार्ट है. कोहिनूर आई डायमंड. ठीक है, विच इज़ नाउ अमंग ज्वेल्स सेट इन द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, जो कोहिनूर आई डायमंड था तो वो यहीं पे माइन हुआ था एंड पहले काकतीया डायनेस्टी ओन करती थी, फिर वो ब्रिटिशर्स लूट के ले गए. ठीक है, सो आप देख सकते हैं इधर काकतीया डायनेस्टी, ये जो आंध्रा वाला रीजन है यहाँ पे लोकेटेड है. सोसाइटी क्या है, कास्ट सिस्टम काफ़ी रिजिड नहीं था. ठीक है, एंड ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दी जाती थी, कोई भी प्रोफेशन ले सकता है. एंड ये नहीं है कि अगर तुम्हारे पिताजी लोहार हैं तो तुम भी लोहार का ही काम करोगे, तो ऐसा कोई रिजिड नहीं था. एंड बाद में वारंगल वॉज कन्कर्ड बाय घियासुद्दीन तुगलक एंड फिर बाद में यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी स्थापना या तुगलक डायनेस्टी की स्थापना हुई. ठीक है, देर इज अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन. तो डिप्यूटी चेयरमैन कब रोल में आता है, जब चेयरमैन लीव पे होते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, बेसिकली चेयर वैकेंट होती है. तो राज्यसभा चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, पहली बात तो जब गवर्नमेंट खतरे में होती है, ठीक है, तब आप सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही पास करवा सकते हो या रख सकते हो. ठीक है, उसके लिए आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है एंड स्पीकर को उसको एडमिट करना पड़ता है. पर नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने सिर्फ डिप्यूटी चेयरमैन के खिलाफ लगाया, तो ये मोशन बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ जाए तो कि क्या ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो गलत हो जाएगा. ये इंट्रोड्यूस हो सकता है, पर जब इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जब सिर्फ एक ही बंदे के खिलाफ मतलब करना हो, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो वो सिर्फ लोकसभा में रखा जाएगा. ओके, दिस यू मस्ट बी क्लियर.
सो बेसिकली क्यों रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन को रखने के लिए 14 दिन चाहिए होती हैं, एंड ये जो सितंबर है मॉनसून सेशन ये 1 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, तो अभी 14 दिन तो आपके हैं ही नहीं, तो आप बेसिकली इसको मैं इसको परमिट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फार्म बिल्स है वो फटाफट हेस में पास की गए, आपने पढ़ाई होगा न्यूज़ में, इसीलिए अपोजिशन पार्टी कह रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए, एंड बेसिकली उसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन है उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं, तो इसीलिए ज़्यादा सीरियस हो रही है बात। डिप्टी चेयरमैन को ना राज्यसभा एक डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करते हैं जो चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म करेगा अगर वैकेंट है चेयर, ठीक है, या फिर आपको बताइए कि चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एंड या फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभा रहे हो उस टाइम भी करेगा, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है एंड प्रेसिडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दोनों के लिए। रिमूवल क्या होता है, ही मे बी रिमूव बाय ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा मूव्ड आफ्टर 14 डेज नोटिस, ठीक है, 14 डेज नोटिस के बाद ही हो सकता है, एंड वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस जो उस टाइम पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसके उनके मेजॉरिटी के अनुसार पे ही मतलब बेसिकली जो प्रेजेंट और वोट करें उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए फॉर हिज रिमूवल, सो दिस इज द थिंग। देन इज अबाउट फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो ये जो FCRA एक्ट है, ठीक है, ये 2010 का है, तो अभी इसमें अमेंडमेंट लेकर आए हैं। इसमें पहले क्या होता था कि जो मतलब पॉलिटिकल वो हैं, जो इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं वगैरह, इन सबको मना किया जाता था कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन मत लो, क्योंकि फिर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, जैसे कोई टीवी वाला वही दिखा रहा है, प्रो दूसरी कंट्री दिखा रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें। तो इसमें क्या बोला, अब नई चीज़ क्या ऐड कर दी, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको भी ऐड कर दिया कि पब्लिक सर्वेंट भी फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं, एंड जो NGOs हैं, ठीक है, जो फॉरेन फंड यूज़ करते हैं टू मीट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसको पहले फ्रॉम एग्जिस्टिंग 50% टू कम कर दिया, ठीक है, तो रिड्यूस कर दिया कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आपको पैसा कम लगाना है, ठीक है, जो फॉरेन फंड्स का यूज़ करके, ठीक है, सो इट सीक्स टू प्रोहिबिट एनी ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एसोसिएशन पर्सन। तो क्या बोला कि पहले क्या होता था, अगर मैं FCRA के अंडर रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, पर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है, तो मैं आपको फॉरेन फंड ट्रांसफ़र कर सकती थी, पर अब ऐसा नहीं है, दोनों को ही FCRA के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा तभी वो आपस में फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, एंड फिर चौथी चीज़ है कि आधार को मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन बना दिया है NGOs वगैरह के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन्स क्या है कि भाई टू अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू होल्ड अ समरी इंक्वायरी टू डायरेक्ट बॉडीज, तो क्या है कि नॉट यूटिलाइज द अनयूटिलाइज फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो क्या है कि जो FCRA अप्रूवल है, ठीक है, विद FCRA अप्रूवल आपको बेसिकली क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अनयूटिलाइज्ड पास होता था, इसीलिए इसको लाया गया है इस अमेंडमेंट को, टू लिमिट द यूज़ ऑफ फॉरेन फंड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ही हो, ठीक है, सो दिस वुड इम्पैक्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस विच यूज फंडिंग टू मीट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है, सो मेन क्रिटिसिज्म क्या है, द बिल विल इन्हांस द गवर्नमेंट पावर एंड रिस्ट्रिक्ट फॉरन फंडिंग, ठीक है, तो सिविल सोसाइटी में फॉरन फंडिंग कम आएगी, एंड ये है कि ये टारगेट कर सकते हैं दोज हु स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड यू नो द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर काफिल खान, सो इट इज़ द थिंग। बट वाई दिस अमेंडमेंट्स आर नेसेसरी, क्योंकि बात क्या है कि बहुत सारे जो फंड्स हैं उनका मिस अप्रोप्रिएशन हो रहे हैं एंड मिस यूटिलाइज हो रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए फॉरन फंडिंग के लिए जो आए थे उनको बेसिकली दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, एनुअल इनफ्लो भी काफ़ी बड़ा ऑलमोस्ट डबल हो गया है एक डेकेड में, बट द रिसिपियंट ऑफ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन हैव नॉट यूटिलाइज, तो सारा फंड इन्होंने यूटिलाइज किया ही नहीं है, एंड काफ़ी जो NGOs वगैरह हैं इनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, सो इसीलिए ये अमेंडमेंट ज़रूरी था, ठीक है, तो FCRA याद रखना 2010 का एक्ट है। सो वट इज़ यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है बेसिकली ताकि इंडिया पैंडेमिक से ओवरकम कर सके, ठीक है, तो क्या है कि प्रेफरेंशियल मार्केट है, पॉलिसीज़ वगैरह है जो उस पर बेसिकली वर्ल्ड बैंक ओवरसी करेगा, ठीक है, ओवरसी करेगा जो भी हम इस फंड का यूसेज कर रहे हैं उस ताकि ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और क्या कंडीशन बोली गई है, वर्ल्ड बैंक के पास राइट होगा टू रिव्यू द प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्ट कर सकता है, ऑडिट कर सकता है अकाउंट को, रिकॉर्ड्स को, फाइल्स को रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, तो देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन, ठीक है, तो कम का लोन दिया है, इसमें से कितना है 550 तो कौन देगा, इंडिया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो वर्ल्ड बैंक का ही बेसिकली पार्ट है, 220 कौन देगा, IBRD विच इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दिस वन, एंड फाइनल मेच्योरिटी क्या है, बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, हमारे जो एक्सटर्नल डेप्ट है उसमें मेजर पोर्शन शॉर्ट टर्म लोन का नहीं जबकि लॉन्ग टर्म लोन का है, तो ये ही एक तरीके का लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है।
आप देख सकते हैं इस तरीके से ये $1 billion का पैसा दिया जाएगा। देन देख लेते हैं एसोसिएशन फॉर वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी। सो इलेक्शन कमीशन ने एक साल बेसिकली हमारे जो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 326 के तहत एस्टैब्लिश्ड है तो उसने कंप्लीट कर लिया है 1 ईयर ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो पूरी वर्ल्ड की इलेक्शन बॉडीज का एसोसिएशन है एंड 2013 में एस्टैब्लिश किया गया था इसको। परमानेंट सेक्रेटरीट सियोल में है, दैट इज इन साउथ कोरिया, ताकि फोर्स इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस आ सके इन कंडक्टिंग फेयर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वर्ल्ड वाइड्स। ठीक है, सो दिस इज द थिंग अबाउट एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्टेड बॉडीज। देन इज अबाउट चेंडा मंगलम साड़ी। ठीक है, तो चेंडा मंगलम साड़ी एक केयर फॉर चेंडा मंगलम बेसिकली आया है केरला के जो वीवर्स हैं उनके साथ कि भाई हम आपकी जो ये सिचुएशन है हम उसको बेहतर मतलब लोगों हाईलाइट करेंगे। एंड ये बेसिकली चेंडा मंगलम इनाकुलम के पास एक टाउन है, छोटा सा टाउन है। ठीक है, एंड द टाउन वॉज पोर्ट ऑफ एंशियंट पोर्ट। ठीक है, तो पहले एक पोर्ट कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, उसका पार्ट है एंड यहाँ पे कॉटन स्पन होता है। ठीक है, सो GI टैग है बेसिकली जो इन साड़ीज़ को मिला हुआ है, चेंडा मंगलम साड़ीज़, क्योंकि ये अपने जो पुल्ली यिलिकारा बॉर्डर है इसे जानी जाती है। देखो ये एक ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक या ग्रीन लाइन है जो साड़ी के एंड में जाती है। सो बेसिकली इट इज़ वो रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस पुल्ली यिलिकारा बॉर्डर। ठीक है, देन इज अबाउट इंटरनेशनल डे फॉर पीस, सो ऑब्जर्व्ड अराउंड ऑन द वर्ल्ड इन 21 सितंबर, ताकि जो आइडियल्स ऑफ पीस है उनको स्ट्रेंथन किया जा सके एंड 24 घंटे का नॉन वायलेंस एंड सीज फायर बेसिकली कि कोई भी सीज फायर वायलेशन नहीं करेगा वो मनाया जाता है। 2020 का थीम है शेपिंग पीस टुगेदर एंड इंटरनेशनल पीस डे कब 1981 से हम मनाए जा रहे हैं। एंड तो एक दिन बेसिकली बोला गया कि एक दिन नॉन वायलेंस एंड सीज फायर के लिए बनाया जाए, सो 21 सितंबर इज द डे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आर्टिकल्स बहुत कम थे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।